आखिरकार अरमान मलिक के घर में ऐसी क्या प्लानिंग चल रही है जो सभी फैमिली वाले एक साथ मिल रहे हैं, सभी अरमान के घर आ रहे हैं? जी हाँ, कुछ चल रहा है। क्या इनके घर में जल्द ही कोई फंक्शन होने वाला है? क्या शादी के अलावा भी कुछ है? चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। दरअसल अरमान मलिक के घर में काफ़ी दिनों से फैमिली कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, और जब फैमिली कॉन्ट्रोवर्सी चलती है इनकी, पहले तो खूब लड़ाई झगड़े होते हैं। हालांकि अरमान मलिक हर बार की तरह चुप हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन फिर भी बहनें और भाभी और भाई आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे के ऐसे बाल फाड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे राज निकाल रहे हैं, भैया सुन के भी ऐसा लगे कि बस कान बंद कर लो और छोड़ दो, दुनियादारी छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं होता, दुनियादारी नहीं छूटती, सोशल मीडिया है, सब कुछ दिखता है, और जब दिखता है तो रिएक्शन में बोलना पड़ता है। अब इन लोगों ने इतनी ज़्यादा गंदगी मचा दी थी, यानी कि सुनीता और सरोज ने, सुनीता ने इतना ज़्यादा नहीं बोला जितना ज़्यादा सरोज ने बोला। सरोज ने कल एक चीज़ कही थी अपनी वीडियो में कि भाई मैं तो वीडियो डिलीट नहीं की जा रही है, नहीं, बल्कि सुनीता ने अपनी वीडियो काफ़ी डिलीट कर दी थी। लेकिन कल जो सरोज है उनकी बातें सुनने के बाद में सुनीता ने भी अपनी जो वीडियो प्राइवेट की थी वो अब पब्लिक कर दी है। हालांकि एक दो वीडियो शायद अभी भी प्राइवेट है, इंक्लूडिंग उनका जो इंटरव्यू हटा है वो अब तक बाहर नहीं आया, दोबारा से उसको पब्लिक नहीं किया गया। इतना ही नहीं, जो सुनीता की सुसाइड वाली जो वीडियो उन्होंने डाली थी उसको भी उन्होंने हटा दिया। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है हटाने का, लेकिन मैं यही कहूँगी सुनीता को कि आपने बचकांड हरकत की है, बच्चों वाली हरकतें किया। हालांकि इंसान जब गुस्सा होता है, परेशान हो जाता है, ऐसी बातें बोल देता है, लेकिन आपको समझना चाहिए सोशल मीडिया है, आप इस तरीके की बात अगर यहाँ बोलोगे तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली को तो इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरोज ट्रस्ट से मस नहीं हुई, अभी भी रुक नहीं रही है, कभी कुछ अलग अलग गंदे गंदे क्लेम लगा रही है। जहाँ पर इतना कुछ होने के बाद में भी पब्लिक को भी सुनीता के ऊपर दया आने लगी, पब्लिक को भी ऐसा लगने लगा कि चलिए जो भी है, अगर है भी तो उन चीज़ों को यहाँ ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन सरोज वहाँ नहीं रुकी, सरोज वहाँ भी अपनी सफाई देने से बाज नहीं आ रही है, अभी भी अपने आप को दिखा रही है कि जो सच था मैंने बोल दिया तो इतना बुरा क्यों लगा। तो आपके बारे में जो सच बोला गया था, उन्होंने जो वीडियो बनाई थी, जो इंटरव्यू था, वो आपने क्यों हटवाया? फिर सवाल ये उठता है कि सुनीता को अगर धमकी के बाद में वीडियोज़ डिलीट कराए गए, इंटरव्यूज़ हटवाए गए, तो सरोज को वो धमकियाँ क्यों नहीं मिल रही है? यानी कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रखे हैं कुलदीप मलिक। और इसका एक बड़ा प्रूफ ये भी है कि कुलदीप मलिक ने अपनी चैनल पर वीडियोज़ डालने बंद कर दिए, शायद अरमान मलिक ने फिर से उनसे वीडियोज़ डलवानी बंद कर दी है। ऊपर से जो कुलदीप है, अब ये भी नहीं कह सकते कि वो दोबारा से नशा मुक्ति केंद्र में जा रहे हैं, वो नशा कर रहे हैं, क्योंकि वो चीकू के व्लॉग्स में या फिर उनके औरों के व्लॉग्स में दिखाई देते हैं और नॉर्मल दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ नशे में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अरमान मलिक ने उनसे व्लॉग वगैरह बंद करवाए हैं उनकी हरकतों की वजह से, उनकी धमकियों की वजह से। इतना ही नहीं, अब अरमान ने जो है अपनी बहनों को बुलाया है घर पर। सपना ने आज कहा है कि भाई अरमान ने बुलाया है, जल्द ही वो लोग जाने वाले हैं। इससे पहले भी अरमान ने अपने दोनों बच्चों, तीनों बच्चों के जन्मदिन पर भी बुलाया था, लेकिन वो नहीं जा पाई थी। बट फाइनली उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जाएंगे, एक हफ्ते के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है, और सुनीता भी शायद जाएगी, यानी कि एक फिर से फैमिली टुगेदर होगा। अब वहाँ पर क्या सरोज आएंगी? नहीं लगती उम्मीद कि सरोज आएगी, और इस वक्त में सरोज अगर इस फैमिली से थोड़ा दूरी बना ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी इन्होंने कर दी, और उसके बाद में अगर ये हम साथ साथ आके ड्रामा करेंगे तो फिर वही होगा कि पब्लिक में व्यू के लिए एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ा दो और फिर हम साथ साथ है वाला ड्रामा कर दो, वो यहाँ पे दिखाई देगा। वैसे भी जो चीज़ें दिखाई दे रही है, सरोज की ईगो इतनी ज़्यादा बड़ी है, उनको ऐसा लगता है कि सब उनके आके पैर पकड़ ले तो वही वो जनता को माफ़ करेगी। सुनिए, सरोज ने बहुत कुछ कल बोला अपनी वीडियो में, जैसे कि मुझे धमकी दी जा रही है। हालांकि उन्होंने कुछ चीज़ें प्रूफ नहीं की, क्योंकि वो प्रूफ कहाँ से करती, उनको आदत है हमेशा हर चीज़ प्रूफ करके देने की। लेकिन इंसान जो व्यूवर्स है वो पागल नहीं है, इसके पास सरोज को काफ़ी हेट मिल रहा है और उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। उनको अभी भी ऐसा लगता है कि 20 हेट कमेंट करने वाले तो उनके पसंद करने वाले हैं, यानी कि सुनीता के फॉलोवर हैं या अरमान के फॉलोवर हैं, लेकिन जो 2 कमेंट उनके पास में तारीफ के आ रहे हैं वही अच्छे सच्चे फॉलोवर्स हैं। तो आपको फिर दूसरे लोगों की ज़रूरत ही क्या है? फिर उनको बोलिए क्या कि आपको देखना छोड़ दें। फिर आते हैं यहाँ पर बात सपना की और सुनीता की। सब लोग वहाँ जा रहे हैं, आखिर इनके घर में क्या फंक्शन है? देखिए, अरमान मलिक ने काफ़ी दिन पहले एक बात बोली थी कि हम जागरण करवाने वाले हैं। या तो इनके घर में वो जागरण होने वाला है, या फिर आपको पता होगा कि इनके साथ जो सूरज रहते हैं उनकी शादी होने वाली है,
तो शायद शादी के फंक्शन क्योंकि ज़्यादा दिन तक चलते हैं इसलिए ज़्यादा दिन तक बुलाया जा रहा है, शादियों की तैयारियां भी हो रही है, तो इस वजह से शायद फैमिली को एक साथ बुलाया गया है जिससे कि लोगों के सामने फिर से एक बार अपनी इमेज क्लियर कर दे जो अरमान मलिक है। लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि आपकी बहन के साथ इतनी प्रॉब्लम हुई, आप कहाँ थे, आप क्यों कुछ नहीं बोले, आपने क्यों इन चीज़ों को रोका नहीं, वो सवाल अभी भी उठ रहे हैं पब्लिक के मन में। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।